प्ले डीएमएफ के जो ऑनर्स है राघव और अंशुल, ये आखिरकार चाहते क्या है? कुछ भी, मतलब कि इनके पास कुछ और टाइटल्स वगैरह नहीं होते हैं अभी तो। एक बात ये है कि जो चाहने वाले हैं वो तो चाहेंगे, वो तो ट्रेंड करेंगे, टैक्स चलाएंगे, मुनव्वर फारूकी को अपना प्यार दिखाएंगे और जो उनका आने वाला गाना है उसको ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज देंगे, यूट्यूब पे फर्स्ट नंबर पे ट्रेंड करवाएंगे, सब चीज़ें करेंगे। हिना खान के फैंस भी करने वाले हैं यही सब चीजें। पर जैसे कि पहले ही एक बात उठी थी कि मुनव्वर फारूकी और हिना खान का जो गाना आने वाला है ना, वो हल्की हल्की सी बारिश आने वाला है, पर वो एक फेक पोस्टर जो है बनाया गया था, जिसके बारे में मैंने आप लोगों को क्लियर किया था कि भाई ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। अभी तक इसका ऑफिशियल पोस्टर और नाम जो है सामने नहीं आया। अब जो है एक पोस्टर सामने आ चुका है, जिस पोस्टर के बारे में मैंने पहले ही आप लोगों को अपनी वीडियो में बता दिया है कि मुझे कैसा लगा है। आप लोगों को जानना है कि मुझे कैसा लगा है फर्स्ट लुक इस गाने का, तो आप लोग जाके मेरी पिछली वीडियो देख सकते हैं। हल्की हल्की सी, ये जो है गाने का नाम है। और नाजिला के साथ देसी म्यूजिक फैक्ट्री पे जब यूट्यूब चैनल पे जब पहली बार मुनव्वर फारूकी का लॉकअप जीतने के बाद गाना आया था, तब उसका नाम था हल्की सी बरसात। हल्की हल्की सी, हल्की सी बरसात, ये मतलब कि गानों का नाम बस यही सिमिलर तरीके से ही कर सकते हैं, यही सब चीज़ें इनके माइंड में आती है, बरसात, बारिश और हल्की हल्की सी, तेज़ तेज़ सी, क्या यही सब चीज़ें हैं क्या इनके दिमाग में? पर जो भी है भाई, ये मुद्दा तो हेटर्स को ज़रूर मिलेगा ही उठाने के लिए, पर इतनी बात है कि हल्की हल्की ये तो मुनव्वर फारूकी के ऊपर नहीं बोल सकते हैं हेटर्स, ना हिना खान के ऊपर बोल सकते हैं। वो अगर उनको बोलना ही है, मजाक उड़ाना ही है, तो वो अंशुल और राघव का उड़ाएं, देसी म्यूजिक फैक्ट्री का उड़ाएं, इनके ऑनर्स का उड़ाएं। और रही बात अब नाजिला की, नाजिला भी कहीं ना कहीं जेलस जरूर करेगी कि भाई पहले लॉकअप जीतने के बाद मेरे साथ इतना ज्यादा मुनव्वर का गाना आने के लिए लोग पागल थे, अब हिना खान के साथ, उन्हीं मेकर्स के साथ मुनव्वर फारूकी का गाना आ रहा, तो वो कितनी ज्यादा जल रही होगी ना। और वैसे भी कुछ लोग नाजिला को जलते हुए देख के बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं ना आप लोग। तो अभी आप बताइए कि आप, मुझे लगता है कि बस इस गाने का नाम अगर कुछ और होता, पहले गाना देख लेते हैं और फिर उसके बाद एक गॉसिप करेंगे, फिर उसके बाद इस गाने का नाम रखेंगे हम लोग मिलके। इसी के साथ मैं लेती हूँ इजाजत, नमस्कार।